मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। सिर्फ एक बार गौरव के पापा से बात करके आपको बता देती हूँ, फिर आप उन्हें लेके आइए। हाँ अच्छा ठीक है। मम्मी। अरे मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। बेटा सुनना, मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है। क्या मम्मा आप ये सब अभी? अरे बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा मम्मी चले, लेट हो रही है। नमस्ते आंटी। नमस्ते विनय बेटा। मम्मा पापा नहीं दिखाई दे रहे? अरे पता नहीं वो सुबह से कहाँ गए, पर क्या हुआ? मम्मा वो पैसे चाहिए थे कुछ मुझे। ये थैंक यू मम्मा, चलता हूँ मैं। चले हाँ। ये कहाँ रह गए? हूँ औरत है की आफत, न घर में चैन न बाहर। बजू क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सच बताऊं आसमान की अप्सराएं भी फीकी हैं तुम्हारे आगे कजन से। जनाब आज तो बड़े मूड में हैं। तुम हो ही इतनी खूबसूरत। नहीं मैं अभी घर पहुंचने वाली हूँ, तो अब हम कल ही मिलेंगे। अरे तो मैं क्या करूं, मैं तो टाइम पे थी, तू लेट आया था। तू एक काम कर, तू अपने दोस्तों के साथ चिल कर, हम कल मिलेंगे। ठीक है बाय। तो मजा आया? बहुत, लेकिन वो अनारकली वाली गेम की बात ही कुछ और है। कितनी बार तुम्हें कहा है एक बार फिर से अनारकली वाला गेम खेलते हैं ना, तो हमेशा टाल देते हो। जब मूड होगा ना तो मैं खुद ही बता दूंगी तुम्हें, ठीक है? फिलहाल तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जी। हाँ हाँ बोलो ना। मकान मालिक है ना, बहुत ही गंदा आदमी है। जब भी घर पे आता है ना मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करता है। उसकी इतनी हिम्मत? मैं बात करता हूँ उससे आज ही। नहीं अजीत तुम उससे बात नहीं करोगे, किस किस को समझाओगे तुम? अकेली औरत को सब गंदी नजरों से ही देखते हैं, और मेरा तो नसीब ही खराब है जो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। स्नेहा की जिम्मेदारी नहीं होती ना मुझ पर, तो मैंने कब से खुदकुशी कर ली होती। अनीता ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैं हूं ना तुम्हारा और स्नेहा का ध्यान रखने के लिए, भरोसा नहीं तुम्हें? इतने धोखे खाए हैं ना जिंदगी में कि अब भरोसा नाम से भी भरोसा उठ गया है। और फिर कल को जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब तो खुश? चलो मुस्कुराओ, हमेशा ऐसे हंसते खेलते रहा करो, बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारे रोना धोना मुझे अच्छा नहीं लगता यार। स्नेहा? अरे क्या हुआ बेटा, और तुम रो क्यों रही हो? माँ आज के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस नहीं जाऊंगी। स्नेहा ठीक से बताओ ना क्या बात है, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या, किसी लड़के वड़के का चक्कर है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे पापा नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे परेशान होने की क्या बात है, तुम बोल दिया करो कि तुम्हारे पापा हैं, मैं तुम्हारा पापा हूँ। ऐसा नहीं होता, आपने कौन सा मेरी माँ से शादी की है? माँ या तो अब आप शादी कर लीजिए, वरना आज के बाद मैं घर से नहीं निकलूंगी, मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना। स्नेहा क्या कह रही है बेटा, ऐसे कैसे शादी कर लूँ मैं? माँ मुझे कुछ नहीं पता,
पिछले 6 महीने से आप कह रही हैं कि आप और अजीत अंकल शादी कर लेंगे। बस आप या तो शादी कीजिए या तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। अनीता, इसका मन रखने के लिए मैंने बोल दिया था, पर अब क्या करूं? चलो ठीक है, मैं ये सारी समस्याएं खत्म कर देता हूं, हम आज ही शादी करेंगे। सच? तुम तैयार हो जाओ, मैं किसी पंडित से बात करता हूं। ओके, अब तो खुश? थैंक यू बाबा। सरिता, सरिता, अरे आप आ गए, ये आपके माथे पर टीका? टीका? मंदिर गए थे क्या? हाँ हाँ, मंदिर गया था। आप कब से भगवान पर भरोसा करने लगे? भरोसा नहीं करता, पर वो मिश्रा जी तो करते ना भरोसा, जिद करने लगे, माने नहीं तो जाना पड़ा उनके साथ। सुनो, हमने गौरव की शादी की बात चलाई थी ना, तो उन्हें अपना गौरव पसंद आया, वो 2 दिन बाद उसे देखने भी आ रहे, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि पहले आपसे बात करें, उनका फोन आ जाएगा तो आप ठीक से बात कर लेना उनसे, ठीक है? हाँ हाँ, कर लूंगा बात, पहले बेटे के पापा को भूख लगी है, कुछ खाने वाने मिलेगा यहाँ? अरे हाँ ना, आप एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा दी, ठीक है? अरे सरिता, मूवी तो मीठा कराओ इनका, मिठाइए कहाँ है? अभी लाए। भाई साहब, दिल की बात एकदम साफ साफ कहता हूँ, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई। आप लोग जल्दी से पंडित जी को बोल के कुछ बढ़िया सा मुहूर्त निकलवाइए और फटाफट शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। जी भाई साहब, जरूर। पापा, घर में कैसे घुसे जा रहे हो? पापा, वो मकान मालिक बहुत गंदा है, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, और जब माँ ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया। पापा, ए लड़की, क्या पापा पापा लगा रखा है? हाँ, निकल जाए ऐसे। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अजी जी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? दीदी, लगता है ये घबरा गए हैं। मैं बताती हूँ आपको, दरअसल हम दोनों ने 2 दिन पहले ही शादी की है। पापा, क्या है ये सब? अरे चुप क्यों बैठे हो, बोलो कौन है ये लोग? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझाना बाद में, पहले ये बताओ ये औरत जो बोल रही है वो सच है या झूठ? ये जो भी कह रही है वो बिल्कुल सच है, लेकिन भाई साहब हम निकलते हैं। भाई साहब बैठिए ना। अरे बहन जी, कौन सा बाप अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के साथ करेगा जिसका बाप पहले से बिगड़ा हुआ है। चलो बेटा। देखा कैसे सुना कर गए, धोखेबाज, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? अरे ऐसे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। गौरव, विनय,
इन दोनों को पहले घर से निकाल दो। ए, चलो गौरव यहां से। रुक जाओ, मैं बात करता हूं। बात क्या करनी पापा, निकाल के बाहर करो इन दोनों को। मैंने कहा ना मैं बात कर रहा हूं। अनीता, ये क्या किया तुमने? यहां आने की क्या जरूरत थी? बस खत्म हो गया तुम्हारा प्यार। उस दिन तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, पर फिर स्नेहा नहीं मानी तो मैं यहाँ चली आई। उस मकान मालिक ने हमें जब बाहर निकाल के फेंक दिया तो मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। एक तो ये कि तुम हम दोनों माँ बेटे को मिलकर अपनाओ और अपने साथ रखो, या फिर हम दोनों जहर खा के मर जाते। हाँ हाँ, दूसरा रास्ता ही सही था। जहर खाओ और मर जाओ, पर मेरे घर से निकल जाओ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नेहा, चल बेटा, हम दोनों माँ बेटी के नसीब में मरना ही लिखा है। तेरी गलत फहमी थी जो तू उस इंसान को अपना बाप मान बैठी। ये जहर है ना, ये खाऊंगी और मर जाऊंगी तुम्हारी आंखों के सामने। छोड़, इसने मुझे मर जाने दे। अच्छा, जब तक कोई रास्ता नहीं निकल जाता तब तक तुम दोनों माँ बेटी यही रहोगे। पापा, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अब तू भी मुझे आग दिखाएगा? आग हूं तेरा। इसे घर में रखोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगी मैं करूंगा, बस मुझे एक दो दिन का मोहलत दे दो। मैं जल्द से जल्द इन दोनों के कहीं और रहने का इंतजाम करता हूँ। उसके बाद ये दोनों यहाँ से चली जाएंगी। अगर ये लोग यहाँ पे रुके तो मैं और गौरव यहाँ से निकल जाएंगे। माँ, कैसी बातें कर रही हो? हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर हम लोग एक घर छोड़ के चले गए, इन लोग को आजादी मिल जाएगी मनमानी करने की। हम लोग तो इस घर से नहीं जाने वाले, अगर जाएंगे तो ये लोग जाएंगे। ए! निकलो यहाँ से, निकलो। और अब मैंने कह दिया ना, ये लोग कुछ दिन यही रहेंगे तो यही रहेंगे। ठीक है, जो मन में आए वो करो। और मैं होता भी कौन हूं कुछ बोलने वाला? सरिता, मैं हेलो, अरे हाँ चाहती हूँ पर अभी बात नहीं कर सकती। सुनो, मैं कल कॉल करती हूँ। बाय, लव यू। देखो अजीत, मैं जानती हूँ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, पर मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं था। और फिर मैं तो कहती हूँ कि जो हुआ ठीक ही हुआ, एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही था। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, वैसे भी मेरे सर में बहुत बहुत दर्द हो रहा है। तो मतलब तुम्हारी तबीयत खराब है? फिर तो तुम्हें मेरी नहीं, एक नर्स की जरूरत है। चलो चलो ना, तुम आओ, आओ तो सही, आओ। तुम यहां बैठो, मैं तब तक नर्स को लेके आती हूँ। आओ आओ, आराम से आराम से। तुम बैठो, मैं अभी नर्स को लेके आती हूँ। ठीक है, क्या किया तुमने? कपड़े
तुम्हारा स्पेशल कप है ना, मैं अपने साथ लेके आई थी। लेकिन चुपचाप बैठ जाओ और मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ या यहाँ? दर्द सर में है। अच्छा, आराम मिला? थोड़ा सा। लगता है पेशेंट सीरियस है, डोज बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाओ ना। जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी इसे, मार छोड़ो से, होश में नहीं हो तुम। क्या कर रहे हो पापा? होश में तो आप नहीं है, अय्याशी सर पे चढ़ के घूम रही है आपके। मैंने कह दिया है ना, एक दो दिन की बात है, उसके बाद ये लोग कहीं और रहने चले जाएंगे। इस बारे मुझे इस घर में और कोई भैंस नहीं चाहिए। चलो बाहर, बाहर चलो। चलो मैं तेरे पापा को चाय दे के आती हूँ, जब तक तू नाश्ते की तैयारी कर, ठीक है? ठीक है माँ, पर जल्दी आना, मुझे कॉलेज जाना है। आती। मम्मी मुझे चाय दे दो, देर हो रही है इंटरव्यू के लिए, विनय आता ही होगा। भैया आपकी चाय। वो अंडी नहाने गई है, माँ पापा ने जो किया सो किया, पर उसके वजह से आप लोग मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? देखो अगर तुम मुझे अपनी बहन नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, पर दोस्त तो बना सकते हो। बोलो मुझसे दोस्ती करोगे? मुझसे दोस्ती करी? मैं तुझे खत्म करूंगा, तेरी माँ को मार दूंगा मैं। गौरव, गौरव, गौरव क्या कर रहा है? अरे छोड़ उसे, छोड़। पागल है क्या? होश से काम ले, छोड़ से, देर हो रहा है इंटरव्यू के लिए, चल। तो दोस्ती करी? स्नेहा क्या हुआ? मुझे मारने की कोशिश की। क्या कर रहा था फालतू वाला काम? चल। तू चुप, चुप, चुप मेरे साथ।
तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी मैं खाना बना रही थी, आप रहने दीजिए, आप आराम कीजिए जाके। दीदी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे दीदी बुलाने की? हिम्मत कैसे हुई? तेरी जैसे सड़क छाप और बाजारों औरत के मुंह से ना ये बात अच्छी नहीं लगती। बस मैं चुप हूँ, कुछ बोल नहीं रही, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगी तुम मुझे। मैं दीदी दीदी कर रही हूँ पर इज्जत तुझे रास नहीं आ रही ना। आवाज नीचे रख के बात कर, ये मेरा घर है समझे? वो ऐसे नहीं मानेगी ना। ये मेरा घर है और मैं अपने घर में इसकी मनमानी नहीं चलने दूंगी। बात संभाल के बात करो तुम मुझसे। अनीता अंदर जाओ तुम। पर मैंने क्या किया? स्नेहा हाँ को अंदर लेके जाओ। और हाँ आज का खाना तुम लोग बाहर से ऑर्डर कर लेना अपने लिए। अजीत मेरी बात तो अंदर जाओ अनीता। सरिता तुम क्या कर रही थी? छोड़ो मुझे, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर रखी है तुमने। यार बिने मेरे बाप ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यार जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, मेरा बाप नहीं है इसकी वजह से मैं दुखी हूँ और तू इसलिए दुखी है क्योंकि तेरा बाप है। बाप नहीं अय्याश बाप है। हाँ हाँ वही अय्याश बाप। चल रात काफी हो गई है, मैं निकलता हूँ। तुझे आना है तो आ, नहीं तो अपने बाप की मातम मनाते रह। अरे कहाँ जा रहा है, पूरी बियर तो खत्म करके जा। आ जा चल चलते हैं। अनीता क्या हुआ, सरिता की बातों को लेकर परेशान हो क्या? नहीं स्नेहा को लेकर। नेहा को लेकर? उसको क्या हुआ? हुआ नहीं है पर हो सकता है, जिस तरह से गौरव और सरिता दीदी हम माँ बेटी से नफरत करती है ना, ये लगता हमें मार भी सकते हैं। अनीता ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। देखो अरे मैंने तुम लोगों के रहने का इंतजाम कर दिया है, कल ही मैं तुम दोनों को नए घर में शिफ्ट कर दूंगा, उसके बाद बस कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। बात अलग या साथ रहने की नहीं है अजीत, बात है सुरक्षा की। अगर कल को मुझे कुछ हो गया ना तो ये माँ बेटे तो उसे घर में भी नहीं घुसने देंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, अरे मैं हूं ना। और रही बात स्नेहा की तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ मैं स्नेहा का ध्यान रखूंगा। मैं सिर्फ अपनी बेटी की भविष्य की सुरक्षा और गारंटी चाहती हूँ जो तुम उसे दोगे। और वो कैसे? मैं कुछ नहीं जानती, जब तक तुम स्नेहा का नाम अपनी वसीयत में नहीं लिखवा देते और गांव वाली जमीन उसके नाम नहीं कर देते मैं कहीं नहीं जाने वाली। करोगे ना तुम? अच्छा ठीक है बाबा, मैं कल ही जाके वकील से बात करता हूँ। ओके सच नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
नहीं, बस वो एक गलतफहमी हुई थी और नहीं और कुछ नहीं। आप बोल दीजिए उन्हें। नहीं नहीं, घर में नहीं, मंदिर में मिलते हैं। हाँ, आप लड़की वालों से बात करके मुझे बताइएगा, ठीक है? हाँ, मैं रखती हूँ। स्नेहा, जल्दी लेके आ, तेरे पापा आने वाले हैं। हाँ माँ, ला रही हूँ। कितना टाइम लगा रही है? अरे आप आ गए? नहीं दीजिए। स्नेहा, पानी दे पापा को। जी। क्या हुआ, काम हो गया? अनीता, ऐसे कानूनी काम एक दिन में थोड़े होते हैं। आज बात की है वकील से, उसने कहा है कि एक दो दिन में वसीयत पे इसका नाम डलवा देगा। ठीक है। उसके बाद एक बार इसको मेरे साथ रजिस्ट्रार ऑफिस भी जाना होगा। ठीक है। मम्मी, पापा आपने ये ठीक नहीं किया। क्या हुआ? मम्मी कहाँ हो? मम्मी क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? मम्मी, पापा ने गांव वाली जमीन अपनी इस बेटी के नाम कर दी है। पूछिए इनसे, बोलते क्यों नहीं पापा, बताइए मम्मी को। और तो और, उस जमीन के दो वारिस होंगे, एक मैं और ये बेटी। अभी मैं वकील के पास से आ रहा हूँ सब पता करके। बोलिए पापा, चुप क्यों हैं? क्या ये सच बोल रहे? अरे बोलिए ना। हाँ, मैं बना रहा हूँ इसे अपना वारिस। जमीन जायदाद सब मेरी है, मैं जो चाहे करूँ। हाँ हाँ, तो अब ना हम दोनों को जहर देके मार डालो, यही बचा है। अरे सटी आ गए हो तुम, इस चुड़ैल ने तुम्हारी बुद्धि फेर दी है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ही कुछ करना होगा, खत्म करना होगा इसे। तुम उस दिन ड्रामा कर रही थी ना, हाँ? मरने का ड्रामा कर रही थी ना? अब मर। सरिता जी छोड़ो, दीदी छोड़ो, सरिता छोड़ो, छोड़ूंगी, छोड़ दो मुझे, तुम बीच में मत पड़ो। सरिता, समझ में क्यों नहीं आ रही तुम्हारी बात? छोड़ो तुम मुझे, तुम बीच में मत पड़ो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मैं तो इससे आज जिंदा हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे? मम्मी, पापा, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत हो गया सम्मान इनका। ए, निकलो यहाँ से। गौरव चलो, गौरव छोड़, गौरव छोड़, गौरव। माँ, अब ये ना बाप कहलाने लायक रह गया है, ना इज्जत लायक रह गया है। नहीं बेटा, इन्हें जो करना है ना वो करने दे, पर तू क्यों अपने माथे कलंक लगा के कपूत बनना चाहता है? ये चाहते हैं ना कि हम दोनों इस घर से निकल जाए, तो जाएंगे, चल। कहीं नहीं जाएंगे माँ, और बात रही जायदाद की, तो मैं बच्चा नहीं रह गया हूँ। सारा इंतजाम कर लिया मैंने, प्रॉपर्टी के पेपर पे इसके ले लूंगा मैं। देखता हूं मैं कैसे किसी और के नाम प्रॉपर्टी करते हैं। चलिए मां। विनय। हाँ। मेरे बाप की हरकत देख रहा है तू? पहले उस औरत को घर में लाके बैठा दिया और उसके नाम आधी प्रॉपर्टी कर रहा है। वो बाप नहीं, बाप है पाप। और तू देखना, इन माँ बेटी का मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगा, लड़ाई झगड़े के किस्सा ही खत्म। पागलों जैसी बातें मत कर, उन्हें मार के जेल जाना चाहता है क्या? ठंडे दिमाग से काम ले, समझा? अब सबर नहीं होता यार। तुम पहले ही बहुत पी चुके हो, अब और कितनी पियोगे? चलो रखो इसे, छोड़ो छोड़ो मुझे। अजीत, बीनी दो मुझे। बस करो ना,
अनीता आज मुझे मत रखो, तो जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो गया। अजीत मत, तुम्हें पता है आज मेरे बेटे ने अपने बाप की गिरेबान पकड़ी, जो आज तक नहीं हुआ था आज उसने मेरे साथ किया। मैंने आज तक उसकी हर गलती हर बदतमीजी माफ कर दी, क्योंकि मेरा बेटा है, मगर आज आज नहीं, अब मैं उसे माफ नहीं कर सकता। जी, ऐसे बेटे होने से बेटा ना होना ज्यादा अच्छा है। अरे कहाँ कहाँ जा रहे हो अजीत, रुको तो अजीत। मैंने हाँ, तू बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। हाँ। भाई है मेरा भाई। हाँ। अच्छा सुन। हाँ। मैं तुझे घर छोड़ देता। नहीं नहीं नहीं, तू गाड़ी चलाने की हालत में नहीं है, तू घर जा, सुबह मैं गाड़ी पहुंचा दूंगा। चल गुड नाइट। गुड नाइट मेरे भाई, आराम से जा। हाँ। ये प्रॉपर्टी मेरी है, देखता हूँ कैसे कौन मुझसे छीनता है, किसी को लेने नहीं दूंगा। सर, लास्ट को सुबह सबसे पहले दूध वाले ने देखा और हमें इन्फॉर्म किया। इस तरीके से मारा है, लगता है किसी ने दुश्मनी निकाली। फॉरेंसिक टीम को बुलवाए? जी सर, इन्फॉर्म किया है, पहुंचते ही होंगे वो लोग। इसकी फैमिली से कांटेक्ट हुआ? कांटेक्ट हुआ है सर। तसल्ली मिल गई? हाँ, मार दिया तुमने इसे, मार दिया मेरे बेटे को तूने। गौरव, गौरव, आंटी क्या हो गया गौरव को? मार दिया इस आदमी ने, मार दिया मेरे बेटे को। गौरव, मार दिया। देखिए मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, प्लीज अपने आप को शांत कीजिए। बताइए क्या हुआ था, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन्होंने इसे मारा? वैसे तो ये आदमी गौरव का बाप है, लेकिन इसके काम दुश्मन वाले हैं। ये बुढ़ापे में ना इसके इसके सर पर अय्याशी का भूत सवार है। जिस उम्र में माता पिता अपने बेटे बच्चियों की शादी कराते हैं, उस उम्र में इस आदमी ने दूसरी शादी की, उस औरत को घर में लेकर आया, उसकी बच्ची भी है सर, इसने सारी जायदाद दोनों के नाम करा दी, और उसी वजह से कल घर में बहुत झगड़ा हुआ और मेरा गौरव घर छोड़कर चला गया सर। घर छोड़कर चला गया था। कहाँ चला गया? विनय के घर गया था, उसका और कोई दोस्त भी तो नहीं है सर। सर वो मेरे साथ ही था, वो लगभग 12 बजे चला गया था। मैंने उसे कहा भी था कि मैं उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन वो बोला मैं चला जाऊंगा। मुझे क्या पता था सर कि ये सब हो जाएगा, पता होता तो मैं उसे जाने नहीं देता। सिंह, हो सकता है इसके बाप ने गुस्से में आकर इसे मार दिया हो या मरवा दिया हो। चेक करो कल रात को कहाँ था, और इस पूरी फैमिली की कुंडली निकालो, सबकी कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री सब पता करनी है मुझे। ये भी पता करो कि इस गौरव का और इसके बाप का किन किन लोगों से मिलना जुलना था। जी सर। अजीत जी, जो कुछ भी हो उसका मुझे अफसोस है, हम
दोनों आज ही यहां से चले जाएंगे। चलो मीने। सरिता कहां जा रही है तुम? घर छोड़कर जा रही हूं, मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम रहो ना तुम्हारे इस नए परिवार, इस नई बीवी के साथ। प्लीज सरिता, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मत जाओ ना, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर। तुम्हें तो अब भगवान भी नहीं माफ करेगा। चले आंटी, ट्रेन के लिए लेट हो रहा है। हाँ चलो। सर कुछ पता चला? पता चल गया। सिंह अरेस्ट करो दोनों को। सर पर मेरी बेटी ने क्या किया है, आप इसे क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि आपकी बेटी ने ही गौरव को मारा है। अपने इस बॉयफ्रेंड विनय के साथ मिलकर वाइफ। जब हमने तुम सबके कॉल डिटेल्स निकलवाए तो पता चला कि ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते थे, घंटों बातचीत होती थी इनकी एक दूसरे से। हमें ये भी पता चला कि कल रात को ये भी विनय के घर पर थी और जहां पर लाश मिली वहां पर भी इसका मोबाइल एक्टिव था। जाहिर सी बात, इन दोनों ने ही मिलकर मारा है गौरव को। सब कुछ सच सच यूं बताओगे या थाने ले जाकर खातिरदारी करें तब बताओगे? तूने मारा है गौरव को? बोल ना। हाँ माँ, मैंने मारा है। पर क्यों मारा? मैं और विनय एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, पर मुझे नहीं पता था कि विनय और गौरव पहले से ही दोस्त हैं। वो तो मुझे इस घर में आने के बाद पता चला। मैं चुप थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए हम छुप छुप के मिलते थे। यार एक बात बता, तेरी माँ को कोई और नहीं मिला? गौरव का बाप ही मिला आशिकी करने के लिए। डार्लिंग, माँ को थोड़ी ना पता था कि वो कौन है तू कौन है। अरे मालदार पार्टी थी तो माँ ने फंसा लिया, अब बस माँ मुझे उसकी प्रॉपर्टी में बराबरी का हिस्सेदार बना दे और कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, उसके बाद भाड़ में जाए अजीत और भाड़ में जाए गौरव। प्लान तो तेरी माँ का बहुत अच्छा है। वैसे विनय तू किसका साथ देगा, अपने प्यार का या अपनी दोस्ती का? ऑफ कोर्स तेरा, दोस्ती के आगे प्यार थोड़ी कुर्बान कर सकता हूँ, और तू तो मेरी जान है, तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। तू फिक्र मत कर, गौरव को हमारे बारे में कभी पता नहीं चलेगा। क्यों हुई ना बात? और फिर जब उस दिन गौरव गुस्से में घर छोड़कर चला गया तब मैंने विनय को कॉल किया। हेलो। हाय स्नेहा। गौरव अभी यहाँ से निकला है और वो सीधे तेरे पास आएगा। देख गौरव मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं बनने देगा और मुझे किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी लेनी है। तू करना क्या चाहती है वो बता। गौरव को रास्ते से हटाना चाहती हूँ। क्या तू पागल हो गई क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुझे कुछ नहीं करना है, जो भी करना है मुझे करना है। मैं जैसा जैसा कह रही हूँ बस तू वैसा वैसा करना। गौरव अभी तेरे पास पहुंचने वाला होगा, तू आज उसे जम के पिलाना और उसे अकेले आने देना, छोड़ने मत आना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। देख मैं इसके अलावा तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है? ठीक है चल बाय। हाँ सर, जैसा ये चाहती थी मैंने वैसा ही किया। गौरव को पहले मैंने खूब दारू पिलाया, उसके बाद मैंने नाटक किया कि मैं नशे में हूँ और उसके बाद वो अकेले घर चला गया। और मैं गौरव का बाहर वेट कर रही थी और जब वो जाने लगा तब गौरव तू यहाँ इस वक्त? तेरे मरने के बाद तेरे बाप की सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी।
प्यार के लिए करना पड़ा। साले धोखेबाज। थैंक गॉड कि तू आ गया, वरना आज तो मारी जाती। वो छोड़, इसका क्या करें? रुक, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ठिकाने लगाते हैं। चल और फिर हम दोनों ने मिलके उसकी बॉडी को ले जाकर कहीं बाहर फेंक दिया। अरे भाई मानता था वो तुझे, क्यों मारा उसने? इनकी साफ बेटी मारा था मैंने तुझे, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की और तूने तूने मेरे बेटे को ही मार दिया। अरे तेरे लिए अपने बेटे और अपनी पत्नी से लड़ गया था मैं। ये तूने क्या किया बेटा, मुझे तो बता दी एक बार। तुमको भी अरेस्ट किया जाता है धोखाधड़ी के जुर्म में। सिंह ले चलो तीनों को। नहीं सर, सर, सर नहीं सर। प्लीज मच्छा माफ कर दो।